कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपको आपके ही अपने YouTube चैनल ग्लोबल अर्निंग में, जहां दोस्तों सतोशी ऐप यानी कोर माइनिंग ऐप के अंदर जो है अभी तो माइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ये माइनिंग क्या एक्चुअल में माइनिंग होता था? नहीं दोस्तों, ये एक नंबर बस दिखाया जाता है मोबाइल से, माइनिंग एक्चुअल में होती नहीं है। ओके, और यहाँ पे इनको यूज़र गेन करने थे। अभी देखिए सारा का सारा कॉलम अभी बिल्कुल खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं हो रहे हैं। और आज 18 तारीख है, आज ही के डेट में इनका जो न्यू यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 प्रोजेक्ट आएंगे जो कि टेस्ट करवाएंगे, तो उससे पहले कुछ हमें एक काम कर लेने हैं जिससे कि हम एलिजिबल रहे, हम वो भी टेस्ट कर पाए। और अभी तक ये जो रिसीव हैश वाला दिख रहा है तो इसका क्या यूज़ केस है? और दोस्तों ये बहुत सारे माइनिंग एप्लीकेशन आते हैं, सब में पेमेंट नहीं देता है, पर इसमें पेमेंट क्यों देगा? सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले करना क्या है, अभी आज यानी कि आज तो नहीं, हमारे यहाँ इंडिया के 19 तारीख सुबह 5:30 बजे से पहले ये रिसीव कोर करके सारा कोर अपना रिसीव कर लेना है। उसके बाद अगर नहीं करोगे तो जैसा कि इसके डिस्कॉर्ड पे पिछले वीडियो पे मैंने दिखाया था ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि वो ज़ीरो हो जाएगा, आपका कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ रिसीव कर लीजिए अपने सारे टोकन को। नंबर 2 दोस्तों, यहाँ पर क्या ये सही में पेमेंट देंगे? भैया यहाँ पे देख सकते हो, मी पे जाओगे तो सब लोगों को यहाँ पे BTC मिलते रहते थे, ठीक है। अभी जैसे कि $3 के मेरे BTC यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये फ्री के कुछ भी हमसे नहीं करवा रहे थे, ठीक है। फ्री के जब हमें ये BTC दे सकते हैं, मतलब कि इनका बैकअप काफ़ी स्ट्रांग है और इनके पास इन्वेस्टमेंट है, वेल्स हैं, ठीक है, पैसे हैं जो कि ये हमें दे रहे थे ताकि यूज़र्स यहाँ से ना भागे, ठीक है। अब जब यहाँ पे इनके पास फंड हैं तो ये क्या कर सकते हैं, इसको लिस्ट भी करवा देंगे। लिस्ट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहता है लिक्विडिटी, तो इनके पास फंड है क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों के इसने BTC जब यहाँ पे फ्री में दिए हैं तो ये लिक्विडिटी ऐड करने में इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये रिसीव कोर का क्या चक्कर है वो भी मैं बताऊँगा दोस्तों। इसके ट्विटर पे आओगे तो यहाँ पे इनकी तो कम्युनिटी 1.3 मिलियन की जैसे कि बताया हो चुका है। अभी न्यू ये जो पोस्ट है इनका मीडियम का पोस्ट, इस पोस्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है, ठीक है, हार्डनिंग द कोर नेटवर्क। तो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने 2-3 चीज़ें अच्छी बात करी है। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, विथ ओवर 1.2 मिलियन यूनिक एड्रेस, 4K डेली एक्टिव एड्रेस एंड 467 के डेली ट्रांजेक्शन्स। ये दोस्तों समझ रहे हो कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और डिटेल यहाँ पे कमिंग सून है, टेस्टनेट का डिटेल अभी कमिंग सून पे है। नीचे यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे कही हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर कि अभी ये क्या कर रहे हैं, एज मोर पार्टिसिपेट, यहाँ पे देख लीजिए इसमें सब कुछ इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एज मोर पार्टिसिपेट ज्वाइन इन सिक्योरिंग द कोर नेटवर्क, सतोशी प्लस विल बी सॉलिडिफाइड एज ट्रस्टेड, उसके बाद क्या है, कंसर्न्स मैकेनिज्म फॉर डिसेंट्रलाइज एंड स्केलेबल फ्यूचर, फॉर नाउ द फोकस इज ऑन लॉन्चिंग मैननेट। इसका टोटल फोकस अभी मैननेट की लॉन्चिंग की तरफ है। कोर बिलीवर हैव बीन पोटेंशियली वेटिंग फॉर ए फुल्ली ऑपरेशनल कोर ब्लॉकचेन, द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी इसका टेस्ट नेट आ रहा है, वेट लगभग ख़त्म हो चुका है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो रिसीव हैश है इसका क्या है दोस्तों, ये आपको ज़रूर कर लेना है। पहले तो यहाँ पे आपको आपका एड्रेस यहाँ पे ऐड कर लेना है। कौन सा एड्रेस ऐड करोगे दोस्तों? वही एड्रेस ऐड करना जिसमें आपने ट्रांजेक्शन थोड़ी बहुत करनी है। वो कैसे होता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये ज़रूर से ज़रूर कर लेना है आज यानी कि कल सुबह 5 बजे से पहले 19 तारीख के 5:30 बजे से पहले तक। कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे आना है, आपको ऊपर सिर्फ कोर फॉसेट आपको टाइप कर देने हैं, आपको ये मिल जाएगा वेबसाइट, इसमें आना है। देन मेटामास्क पे जाके आपको कोर चैन का टेस्ट नेट नेटवर्क ऐड करने हैं, ठीक है। अब ये कैसे ऐड होता है पिछले वीडियो में बता दिया है दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। देन यहाँ पर ये एड्रेस है, इस एड्रेस को कॉपी कीजिएगा, ये एड्रेस कॉपी कर लिए। देन यहाँ पे आइए, एड्रेस अपना डालिए, ठीक है। देखिए लास्ट ये काम आपको करना ही करना है, नहीं तो बाद में हो सकता है पंगे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टीकोर कर लिया, अब गेट SUSDT इसको भी हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये कोर देखने को मिल जाएगा। अब करना क्या है, आपके पास और भी वॉलेट होंगे, ये एक ही वॉलेट नहीं होगा जैसा कि मेरे पास है। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्या करूँगा, आपको एड्रेस दे दूँगा, उस एड्रेस को इस तरीके से कॉपी कर लेना,
ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करोगे, ऊपर यहाँ पे वो एड्रेस डाल दोगे, देन यहाँ पे कोर 0.1 बस इतने के जैसा आप यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन कर लोगे। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन इस तरीके से कर लोगे, इसका खुद का नेटवर्क है दोस्तों, यहाँ पे इसके ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, व्यू एक्सप्लोरर पे जाके आप इनके एक्सप्लोरर देख सकते हो, इनका खुद का एक्सप्लोरर है कोर टेस्ट नेट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन हो चुके हैं सक्सेस, ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब क्या करना है आपको, मेटामास्क पे आके जिस एड्रेस से ट्रांजेक्शन किया उस एड्रेस को कॉपी कर लिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन ज़रूर होनी चाहिए, ज़रूर। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन कितना हुआ है उसको देखने के लिए यहाँ पर आओगे, ठीक है, कोर टेस्ट नेट पे, देन इस तरीके से इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे एड्रेस डालोगे। एड्रेस डालने के बाद सर्च करोगे, तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आप जो है अपने ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन अच्छे खासे किए हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन कर लेना, मैं आपको एड्रेस दे दूँगा, आप मेरे एड्रेस पर भी सेंड कर सकते हो, फ्री का है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपको रोज़ाना के रोज़ाना एक टी कोर तो मिल ही जाता है, तो आज लास्ट डेट है, ज़रूर ये कर लीजिए। देन एड्रेस कॉपी कर लिए, एड्रेस कॉपी करने के बाद फिर आपको कोर सतोशी ऐप पे जाना है, माइनिंग वाले सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे ऐड में क्लिक करना है, ऐड वॉलेट एड्रेस पे जाना है, देन यहाँ पे वही एड्रेस सेम एड्रेस को पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देने हैं। और ऐड जैसे ही करोगे और आपने ट्रांजेक्शन कर लिए, फिर यहाँ पे रिसीव हैश पे क्लिक कर देने हैं। रिसीव हैश पे क्लिक करोगे आपका हैश आएगा। अभी ये देखिए, अब हैश यहाँ पे इकट्ठे करके क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें तो यहाँ पे माइनिंग वाइनिंग कुछ हो नहीं रहा है, तो ये अभी क्या फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो अभी न्यू इनका वर्जन होगा, ये ऐप अपडेट हो जाएगा कल सुबह, ठीक है, तो अपडेट होने के बाद यहाँ पे 3 न्यू प्रोजेक्ट आएंगे, हो सकता है उसको टेस्ट करने में इस हैश की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, प्राइस कितना हो सकता है, तो वो मैं प्राइस का थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन, तो वैसे भी इसके डिस्कॉर्ड में अगर आप प्राइस की बात करोगे तो आपको मना करेंगे, प्राइस की बात अभी ना करें। ठीक है, सारे लोग पहले ही अनाउंसमेंट करके ईयर ड्रॉप देते थे, प्राइस वगैरह बहुत कुछ डिस्कस होता है, इसका ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं हो रहा है। ओके, अभी भी यार, अभी भी देखिए BTC मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा प्राइस, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉइन गेको पे आया, अब यहाँ पर देख लीजिए कॉइन गेको में क्या है। किसी भी कॉइन का प्राइस जानने के लिए एक मेथड बता देता हूँ, वो आपको जान लेना है। उसके मार्केट कैप, ये जो मार्केट कैप है ना, मार्केट कैप से उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसको आपको कर देना है डिवाइड। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये एड्रेस जो रेट है थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, थोड़ा बहुत निकल के आ जाएगा, जैसा कि मैं अभी करता हूँ। ठीक है, कितना है यहाँ पर, ये फिगर याद रखिए, 7344-699-104 इतना डॉलर का मार्केट कैप है। अब कैलकुलेटर में जाता हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7344-699-104 डॉलर इतना का मार्केट कैप है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे मल्टीप्लाई वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कितना है, 8955, ठीक है, ये देख लीजिए 8955 और उसके बाद 469-069। ओके, तो इतना कर लेते हैं, सिंपल सा है, सिंपल सा है, तो यहाँ पे कर लूँगा 89, उसके बाद है 55, कितना था यार, 89-55 उसके बाद 469-069, तो 469-069। ठीक है, ये देख लीजिए बराबर, ये देखिए ये रेट निकल के आया। ठीक है, 0.8202। अब देखते हैं यहाँ पे कितना होता है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। ओके, थोड़ा बहुत इधर उधर, तो रेट आ गया। अब हम कोर का निकालते हैं, तो सोच लेते हैं कोर का टोटल कितना है, 526 मिलियन 26.5 इतना मिलियन का यहाँ पे टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अब मार्केट कैप कितना मान लेते हैं, मार्केट कैप हम लोग कम से कम मान लेते हैं कि यहाँ पे 500 मिलियन की मार्केट कैप हो, 500 मिलियन की। ठीक है, बहुत कम है, ये मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, 500 मिलियन इसमें पैसे लगे हों। इसको अगर हम 526 मिलियन पे अगर हम करते हैं डिवाइड, ठीक है, तो देखिए कितना निकल के आता है, अरे किधर चला गया, 526 मिलियन।
ठीक है। तो ये देखिए लगभग लगभग $1 के अराउंड इनका रेट इतना में निकल के आता है, जो कि बहुत ही कम किया फिर भी, ठीक है। तो ये आपको कम से कम तो आपको ये रेट देखने को मिलेगा $1। अब दोस्तों क्या सारे के सारे जो टोकन हैं हमें वो टोकन एक साथ मिलेंगे? नहीं। क्यों? ये देखिए मी पे आओगे और यहाँ पे जब कोर पे जाओगे तो ये देख लीजिए यहाँ पे 3 कॉलम है, एक बैलेंस, फ्रोजन और वैल्यू। तो फ्रोजन है यानी कि कुछ फ्रीज रहेंगे आपके और उसका वेस्टिंग पीरियड यानी टीजी आपको मिलेगा टाइम टू टाइम, ये थोड़ा बहुत करके ये अनलॉक करेंगे। क्योंकि अगर एक साथ करेंगे तो दोस्तों ये जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट हो लोगों को तो फ्री में आ रहे हैं ना, तो वो तो सीधे सीधे सेल करेंगे। और जितना भी बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट हो अगर सेलिंग प्रेशर आ गया तो फिर तो वो बर्बाद होना ही है। सामने ही अभी FTX एक्सचेंज के FTT कॉइन के बाद देखा, या फिर आपको लूना में देखा, कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत से वाकयात पेश हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये थोड़े थोड़े करेंगे ताकि मार्केट जो है स्टेबल रहे, ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर ना आए। लेकिन कुछ ना दें ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है, ये ज़रूर देंगे। और ये जो 3 प्रोजेक्ट इनके आ रहे हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आई थिंक, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अच्छा हो चुका है, यहाँ पे इनकी ऑडिट अच्छी हो चुकी है, पार्टनरशिप बहुत अच्छे हो चुके हैं, इनके इन्वेस्टर बहुत तगड़े तगड़े आ रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, गारंटी नहीं कह रहा हूँ कि होना ही है अच्छे, बस मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये हो सकता है जहाँ तक लग रहा है। तो इसलिए अभी तो बस काम ये करना है, फिलहाल क्या करना है आपको, जितने भी अगर आपने माइनिंग किए हुए रिसीव नहीं किए हैं तो रिसीव कर लीजिए, ठीक है। अगर अकाउंट लॉगिन नहीं किए हैं दोबारा से लॉगिन करके, देन यहाँ पे रिसीव हैश आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और कल भी बताया था कि आपको यहाँ पे एसेट पासवर्ड बना लेना है, ठीक है, एसेट पासवर्ड भी आप यहां पे बना लीजिएगा। ओके दोस्तों, ट्रांजैक्शन टेस्टनेट पे कुछ ज़रूर से ज़रूर कर लेनी है आपको, मेटामास्क पे इसी एड्रेस पे ज़रूर से ज़रूर, मैं अपना एड्रेस प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे ट्रांजैक्शन आप ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को बताया। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यूट्यूब चैनल को, और अगर कुछ क्वायरी बताना हो आपको तो आप जो है बता सकते हो, डिस्कस ग्रुप अवेलेबल है, डिस्कस ग्रुप में आके कमेंट भी कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स अवेलेबल रहेंगे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट न्यू ईयर ड्रॉप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।